ओके बेटे, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इफ यू रिमेंबर दैट बेटे, कल हमने साइन 18 की वैल्यू क्या निकाली थी बेटे, आप देखेंगे अपने उसमें, परहैप्स रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 था बेटे, एम आई राइट? उसके बाद बेटे हमने कॉस 18 की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, एंड दैट वाज आफ्टर 10 प्लस 2 रूट 5 ओवर क्या था बेटा 16, यही था, ठीक है ना बेटे? चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ वो फिर आपका ये ऐसे आ जाएगा बेटे, वो ये रूट के अंदर होगा ना, रूट के, तो आपका वो अब 1/4 आपका ये, और ये रूट के अंदर ऐसे आ जाएगा, वो रूट के अंदर, इज इट क्लियर बेटे? देन बेटे आपका 10/18 की वैल्यू, 10/18 इज इक्वल टू बेटे हमारे पास क्वेश्चन टू हमने यूज किया था, साइन 18 ओवर कॉस 18 किया था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, then we got the value root 5 minus 1 iska numerator by iska numerator, that was your 10 plus 2 root 5। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आज की तारीख में अपने आगे जा करके जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव रिजल्ट आज की तारीख में नहीं आ रहा है, एकेडमिक बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए इनको मैं सोचता हूँ कि नीड होनी चाहिए, क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री 30-40% कवर करता है। फाइन, इसके बाद देखो बेटे, अब आपका कॉस 17, अगर आपको निकालना है आपको कुछ नहीं करना बेटा, कॉस 72 होगा, कॉस 90 में से 18 अगर इफ यू आर माइनसिंग, आपका याद रखेगा कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 11th में तो पढ़ा ही पढ़ा है, और ये आपने साइन 90 माइनस थीटा कैसे कर दो आपका बेटे, आपने cos थीटा यू हैव रेड इन 10th क्लास, नाउ cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटे ये sin थीटा, ऐसे tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा है, इज इट क्लियर? अब आपका देखो बेटे, इफ वी वांट टू आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस cos 72, आई कैन राइट इट आपका cos 90 माइनस 18, 18 प्लस 72 90 होता है, अगर चेंज टू एनीवन कर देते हैं हम 10th में उसको, तो यहां पे तो cos 90 minus theta is equal to आपका क्या हो जाएगा sin theta, theta is 18 आपका देखो sec, इसका मतलब जो cos 72 degree की वैल्यू होगी वही sin 18 की वैल्यू होगी, and that is root 5 by 1, root 5 minus 1 upon, sure, clear हो गया बेटे? And if you want to find out sin 72, so again in the same format you have to write upon another side 72, how it will come, when I will minus this 18 upon out from this 90, so now 90 minus 18 is 72, and now sin 90 minus theta is cos theta, theta is this one, so now ye aapka kya ho jayega bete cos 18, cos 18, and cos 18 ki value aapka dena now root 10 plus 2 root 5 over upon out 4, so now sin 72 and cos 18 both have the same values, clear hai? Fine. Now value of cos 36 agar mujhe nikalna hai to aapka dekhega, you know cos 2 theta is equal to aapka ek formula hota, kya hota hai, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, देखो दिस क्लियर है, तो मैं इसका मतलब देखो cos 36 कैन बी रिटन एज cos 2 इनटू cos 2 थीटा, देखिए थीटा इज इक्वल टू 18, दिस 36 इज ब्रोकन इनटू 2 इनटू 18, 2 18 से आपने कर दिया, बिकॉज़ आई एम जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला cos 2 थीटा हियर, so now the so cos 2 is 1 minus 2 sin square, now this is theta is 18, cos 2 theta 1 minus 2 sin square theta, this is 1 minus 2 sin 18 has a value, sin 18 has a value, what is that, this is root 5 minus 1 by 4, and this is the square, sure, clear? In numerator, now you will apply a minus b ka whole square, that is a square minus 2ab plus b square, where a is equal to, dekho apka, it's root 5 and b is equal to 1, a minus b ka whole square, got it,
वन माइनस टू इंटू आपका रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड बी का स्क्वायर ओवर दिस स्क्वायर इज कंप्लीटली फॉर न्यूमरेटर एज वेल फॉर डिनोमिनेटर फोर फॉर दिक्सटीन वन माइनस टू एक्चुअल ऐसे हो जाएगा श्योर ना देखो तो ये आपका कितना देगा फाइव माइनस टू रूट फाइव प्लस वन ओवर मल्टीप्लीकेशन में स्टेट में यू कैन कट इट टू एट सिक्सटीन वन माइनस नाउ दिस फाइव फाइव प्लस वन इज सिक्स माइनस टू रूट फाइव ओवर एट विल हिट इट बाय मल्टीप्लाइंग एट वन जा एट माइनस प्लस इज माइनस 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 इज प्लस एट सिक्स इज टू प्लस टू रूट फाइव ओवर एट टू कॉमन इन न्यूमरेटर टू कॉमन वन प्लस रूट फाइव इज बैलेंस ओवर एट टू फोर जा सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्री इज रूट फाइव प्लस वन ओवर फोर cos 36 sure अब somebody will ask you that आपका what is the value of sin 36 आपको निकालना है तो now ये आपको निकालना है you know sin square theta plus cos square theta is equal आपका क्या होता है 1 sure कहीं पे कोई दिक्कत है बताइए अब आप यहाँ पे ये formula रख दीजिए साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 इज इट क्लियर साइन स्क्वायर 36 इट्स नॉट गोइंग टू बी मूव ओनली दिस इज मूविंग व्हिच इज नोन इन योर ट्रांजेक्शन ऑफ द नाउ तो साइन 36 स्क्वायर हट जाएगा तो नाउ ये प्लस माइनस ये आप पहले बनाओ दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरे स्क्वायर रूट में आएगा लेकिन प्लस माइनस लेकिन माइनस इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि जो 36 डिग्री होगा ये भी आपका 0 टू 90 के बीच में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक ओनली द प्लस साइन दिया आगे जाकर देखो साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos 36 व्हाट दैट इज √5 प्लस 1 ठीक है जी तो ना दिस वन माइनस अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर दीजिएगा इधर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल टू रूट फाइव और बी इज इक्वल टू बिल्कुल रूट फाइव का स्क्वायर देखो प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने यूज कर बाय फोर फोर जा Now sine 36 is equal to this is 1 minus 5 plus 1 is 6 root 5 ka square is complete 5 so maine add bhi kar diya apna this is 6 plus 2 root 5 or over apka 16 sharp apka now proceed forward 1 minus in one number 2 common le lijiyega andar aapke paas 3 plus root 5 or y apka 16 ka matlab आ गया एट जा नाउ साइन 36 इज इक्वल टू एट वन जा एट माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस ओवर आपका देखो दिस इज एट माइनस थ्री आपका ना दिस फाइव माइनस रूट फाइव ओवर आपका ना चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया चेक कर लीजिएगा बुरी तरह से अगर आंसर गलत आ रहा होगा तो देखो आंसर गलत क्यों आया आपने कोशिश की देखो जानने की नहीं देखिए फाइव प्लस वन बिल्कुल ठीक सही है सही है टू रूट फाइव भी ठीक है बिल्कुल ठीक है प्लस का ये भी आपका माइनस में तो ये आपका माइनस ये ब्रैकेट में नहीं लगा ये देखो अब मैंने गलती कहां की देखो गलती मैंने कहा कि ये भी मैं बता दूंगा देखो आपको साइन 36 आपने किया देखिए कोई बात नहीं आपको सिर्फ बताने के लिए देखो 1 माइनस देखो ये 5 का रूट का 5 का कंप्लीट 5
प्लस वन आपका देखो और प्लस से टू रूट फाइव और प्लस से वन ओवर ये सिक्स बिना एलसीएम के आपका देखो सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन माइनस ये देखो ऐसे फाइव प्लस वन सिक्स प्लस प्लस माइनस का माइनस हो गया दस माइनस टू रूट फाइव माइनस प्लस ओवर आपका देखो सिक्सटीन में से सिक्स गया टेन माइनस टू रूट फाइव ओवर ऐसे आया चेक कर लीजिए 10 माइनस टू रूट फाइव बाय 16 आपका देखो 16 तो 16 जब बाहर आ जाएगा आपका देखो ये तो ऐसे ही रहेगा ओवर आपका रूट 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 है तो ना देखो साइन 36 की वैल्यू या कॉस 36 की वैल्यू आ गई तो 10 36 की अगर आपको कोई वैल्यू बोलेगा तो 10 36 से इक्वल क्वेश्चन 2 आप अप्लाई करेंगे sin 36 होगा ना देखो cos 36 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा a / b / c / d वाला फार्मूला से आपका b एंड d कैंसिल हो गए तो बचा a एंड c तो आपका जो p दिस इज ये रूट 10 माइनस 2 रूट 5 10 माइनस 2 रूट 5 ओवर आपका ना दिस रूट 5 प्लस ये ऊपर तक ही है आपका बस श्योर अभी देखिए फिर नाउ आई एम गोइंग फॉर साइन 54 आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 54 सो साइन 54 इज इक्वल टू व्हाट साइन 90 माइनस 36 90 में से 36 जाएगा यू विल गेट अपॉन दिस 54 एंड नाउ साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू नाउ दैट इज योर कॉस थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज नाउ इज 36 90 माइनस थीटा तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा इस cos 36 एंड cos 36 की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली थी अब जरा देखिएगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 इसका मतलब sin 54 एंड cos 36 बोथ हैव द सेम वैल्यू क्लियर हो गया नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट cos 54 तो cos 54 इज इक्वल टू cos 90 minus 36 and you know cos 90 minus theta is equal to this is sin theta theta has again the value 36 degree so now this is sin 36 degree और sin 36 degree की value अभी आपने क्या निकाली है now root 10 minus 2 root 5 over 4 and that is the value of cos 54 too मेरे हिसाब से जो आपका पुराना ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस था कॉम्पिटिटिव के लिए वो बहुत इनफ था अगर कोई ढंग से पढ़ा रहा होता ये याद रखिएगा ना इसके बाद अब आप बताओ ये अगर मुझे 1054 की वैल्यू निकालने के लिए कोई बोलेगा तो आई हैव टू यूज द क्वेश्चन रूल हियर बिकॉज आप देखो 10 थीटा इज इक्वल टू आपका होता sin थीटा ओवर cos थीटा एम आई राइट थीटा इज इक्वल टू आपका देखो नाउ 1054 Now, this is, I am going to find out this 1054, so now you can rewrite your sin 54 over now this is cos 54 and the value of sin 54 is what? That is root 5 plus 1 over 4 and over cos 54 is what? That is 10 minus 2 root 5, root ke andar root hai, over 4. This 4 is cancelled by 4 because it is in a ratio and proportional. Now a by b when it is separate from c by d, it can be written as ad by bc. So ultimately at last 1054 is equal to that is root 5 plus 1 over now root inside 2 root 5 इसके बाद आता है 10 7 and half की वैल्यू निकालने के तो देखो इफ थीटा इज इक्वल टू अपॉन 7 7 to the 14 plus 1, 15 by 2. ठीक हो गया? तो देखो, multiply by 2 on both sides, दोनों sides आपने multiply कर दिया, तो ना दो, 2 theta is equal to 2 into 15 by 2, तो ना दो, तो 2 theta की value आपकी कितनी आ गई? 15 है. Sin 7
होल वन बाई टू की वैल्यू निकाल रहे हैं आपका देखो दिस। अब आपका देखिएगा आपका क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, क्यू आर क्या बोलता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा ओवर देखो कॉस थीटा। कई फॉर्मूले आपके बनाए जाते हैं, कुछ प्रिपेयर किए जाते हैं, अगर वो अवेलेबल ना हो तो अकॉर्डिंग टू द थीम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन याद रखिएगा। बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट टेन सेवन होल वन बाई टू मीन्स 15 बाई टू की वैल्यू मैंने निकालनी है तो ना दो इसका मतलब ये टेन थीटा from left to right, right to left. So now this is 1 minus cos theta. So now you see, 10 theta is equal to 0. Now in this case, you can write 1 minus cos 2 theta over sine 2 theta. See, theta is equal to your 2 theta is equal to your how much? Yeah, theta is equal to 7 whole, 1 by 2 degree. है. और 2 थीटा मतलब थीटा का दोगुना कर दीजिए तो 15 क्लियर। तो ना मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी आपको कैसे निकालना अगर किसी ने कह दिया आपको कंपटीशन लेवल में आ गया उस समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस जीरो कॉस 2 थीटा का मतलब 15 है एंड sin 2 थीटा का मतलब sin 15 ठीक है। अब देखिए यहां मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि देखो अगर हमको cos 15 डिग्री निकालना है तो cos 15 डिग्री का मतलब सॉरी हां cos 15 डिग्री का मतलब cos 45 minus 30 हो जाएगा एंड यू विल अप्लाई हियर cos a minus b is equal to देखो cos a cos b minus वाले में प्लस का फार्मूला होता sin a sin b। आप समझ गए आपका देखो अब आप अगर यहां पे cos देखो इट्स 45 minus 30 ऐसे कर लो नाउ इट्स cos 45 cos 30 नाउ देखो प्लस sin 45 एंड नाउ देखो दिस sin 30 cos 45 1 upon root 2 आपका cos 30 इज व्हाट root 3 by 2 एंड sin 45 एंड cos 45 बोथ आर सेम 1 by root 2 एंड द वैल्यू ऑफ sin 30 इज व्हाट दैट इज अपॉन 1 by 2 ये sin 30 root 3 over 2 root 2 or plus 1 by 2 root 2 LCM aapne when the same denominator you have the same numerator will come this is the value of cos 15 degree clear aapne obviously jab hum sin 15 degree ki value nikalenge to sin 15 degree ki value bhi aapka kya hogi sin 45 minus 30 hogi aur yaad rakhiyega sin a minus b ke liye थोड़ा अल्टरनेट होता है साइन ए के साथ कॉस बी आता है और माइनस वाले में माइनस सी होता है साइन में कॉस ए साइन बी हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप 45 30 अगर ये 45 30 रखेंगे तो ये आपका जो आएगा माइनस है तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू इसका मतलब अब आप करें 1 माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू अगर ये 1 माइनस या अगर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 ओवर देखिए ये कॉस साइन 15 साइन 15 की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 ये एलसीएम करके इधर चला जाएगा
उसके बाद इसके साथ और आपका फिर टू रूट टू टू से टू रूट ऑफ टू आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास बच जाएगा रूट थ्री माइनस वन, इसको आप रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर मींस रूट थ्री माइनस वन का जो अल्टरनेट कंजुगेट होगा रूट थ्री प्लस वन, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो लास्ट में जो आपको टेन सेवन होल वन बाई टू यानी कि साढ़े सात डिग्री की जो वैल्यू आपकी आएगी रूट थ्री माइनस रूट टू, इनको सॉल्व करके जो आएगी रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन, ये आपका इसकी वैल्यू आएगी टेन सेवन एंड हाफ की। इसके बाद आप इसी से कॉट 87 होल नहीं साढ़े सात आपको 82 डिग्री एंड हाफ निकाल सकते हैं, देखो कॉट 82 डिग्री एंड हाफ आपका है। तो ये इसी बड़ा आपका देखो ना कॉट 90 में से आपका 7 होल 1 बाई 2 को माइनस कर दीजिएगा, 90 डिग्री में से साढ़े सात डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपका 82.5 आ जाएगा जो आप देख रहे हैं आपका 82 होल 1 बाई 2। सुना इसी में आपका देखो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल आपका क्या होता है, इट इज द 10 थीटा कॉट कॉट 4 पाई बना सीओडी कॉट, तो आपका देखो दिस इज द 10 7 होल 1 बाई 7 डिग्री एंड कॉट आपका ना 82 डिग्री आपका दोनों की वैल्यू आपकी ये दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी उस। इज इट क्लियर? ये किया था आपने कल, डू इट प्लीज। Now look, if I have to find out the value of this cot 7 whole 1 by 2 means that is 15 by 2, the same procedure you have to hold here. Now see, this theta is equal to, again you will have to take upon of this one. So now you multiply it, multiply by 2 on both sides. It will become, now it's 2 theta. Into 2 into, now this is 15 by 2, so now 2 theta is equal to 15 degrees. So now you have to find out cot 7 whole 1 by 2, 7.5 degree ki value. So you will apply here cot theta is equal to, now this is cos theta over sine theta. This is a question. Here when I was going to be find out the value of this 10 theta for this 10 7 whole 1 by 7, in that case I have multiply and divide by this 2 sine theta in numerator and denominator. So I will multiply here by now cos theta 2 cos theta. Now so multiply and divide by 2 cos theta in numerator and a denominator. Now look at this. So now yes, cos theta is equal to now cos theta into I am going to multiply by this 2 cos theta and now this is already sine theta. So now this 2 into cos theta I am writing. So it become after now 2 cos square theta over after now this is the sine 2 theta. This is the multiple formula 2 sine theta cos theta same as this denominator. So now 1 value cos 2 theta is equal to now 2 cos square theta minus 1. So now 1 plus is cos 2 theta is equal to now 2 cos square theta. So in place of this one, now it's cos theta is equal to now it's 1 plus cos 2 theta over denominator are same. Yeah, we sine 2 theta, yeah, we sine 2 theta. If 10 theta bhi tha, formula ki transaction wahan dekhega, yahan aapka dekho na, iska matlab kya ho gaya? Cot theta is what? That is 7 whole 1 by 2, sorry, 7 degree, 1 plus cos, 2 theta is what? 15 degree over sine 15 degree. Sine 15 degree ki value maine yahan se utha ke yahan kar diya. Root 3 plus 1 upon 2 root 2 and sine cos 15 is sine 15 is root 3 minus 1 upon 2 root 2. Ab aap dekhiye, yahan pe 1 plus the value you have to write here root 3 plus 1 upon now this 2 root 2 over sine 15 is upon root 3 minus 1 upon 2 root. फिर वही 2 root 2 1 जा 2 root 2 plus root 3 plus 1 upon complete 2 root 2, 2 root 2 से 2 root 2 a by b by c by d cancel हो जाएगा, only the remaining will be आपका root 3 minus 1 in the denominator. So now
डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं, इसीलिए नाइन्थ में आपको रैशनलाइजेशन आपकी पढ़ाई जाती है. रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर मींस ओनली कि द अल्टरनेट कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर दैट हैव टू बी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सिमिलरली. इसका अल्टरनेट कंजुगेट आपका रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा. क्लियर? उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ भी मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, मैंने सीधा आंसर लिखा. तो जो टेन सेवन होल वन बाई टू की वैल्यू आ रही है इसको, ये दोनों निगेटिव बाइनोमियल्स थे, तो इसको इनको जब पूरा सॉल्व कर देंगे आप जैसा मैंने बताया, तो ना कॉट सेवन होल्स अपना नाउ ये डिग्री कैसे बढ़ो, ये प्लस में रूट थ्री प्लस रूट टू और आपका ये रूट टू प्लस वन, ये कॉट सेवन होल वन बाई टू डिग्री की वैल्यू आ जाएगी. ठीक हो गया जी? तो अब इसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, नाउ टेन 82 डिग्री एंड वन बाई टू, हाँ होल आपका नाम साढ़े 82 जिसको कहते हैं आपका नाम 82 एंड हाफ आपका नाम. तो ये इसी बार आपका देखो 15 90 में से अगर 7 होल 1 बाई 2 को माइनस कर देंगे ये आपका आ जाएगा. ऐसा क्यों लगता है? तो 10 90 माइनस थीटा इसी बार आपका देखो जैसे लगा होते हैं, तो थीटा इसी बार यहाँ देंगे आपका 7 होल 1 बाई 7, इसका मतलब 10 82 होल 1 बाई 2 डिग्री is equal to अपना तो cot 7 whole 1 by 3, तो 1082 half की होगी वही cot की जो आपने निकाली है, तो ना both will be the same root 2 root 3 plus root 2 in one bracket and in the another one ये आपका ये आपके थे 1082 and half की on behalf of cot 7 whole 1 by 2. यहाँ पे आपने 10 7 होल 1 बाई 2 था, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कॉट 82 होल 1 बाई 2 आपने फाइंड आउट किया. एंड कल मैं आपको जो बताऊंगा कॉस 22 एंड हाफ साइन 22 एंड हाफ टेन 22 एंड हाफ साइन 67 एंड हाफ साइन 67 एंड हाफ को प्लस करके उसके बाद साइन 157 होल 1 बाई 2, मतलब एक अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे को ये पढ़ना जरूर चाहिए. तो ना बाकी आप इसको यूट्यूब में और जगह भी देख के कम